दोस्तों कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया एक टॉपिक है जो कि आपका ओफेक्स एम, जो बच्चों में जो दस्त होता है, जो लेटिंग के साथ ब्लड निकलता है या फिर पेट दुखना या फिर बैक्टेरियल इन्फेक्शन हो के बच्चों में जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, खाना पचने में जो प्रॉब्लम होता है, इस सिचुएशन में मैक्सिमम टाइप में मैक्सिमम मतलब सिचुएशन में डॉक्टर लोग जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो है आपका ओफ्लॉक्सासिन, ऑनिडाजल या फिर मेट्रोनिडाजल टाइप का दवाई। तो इसी तरीके का एक दवाई जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका ओफेक्स एम। इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा डी आर टी वी चैनल में, मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। सो फ्रेंड्स, लाइका कंपनी ये मार्केटिंग करती है यह दवाई को ओफेक्स एम, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया है वो है आपका ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजल, बेंजोएट प्लस उसके साथ है साइमेथिकॉन सस्पेंशन। मेनली जो बच्चे हैं 7 साल का नीचे का जो बच्चे हैं जिनको लेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, झाड़ा हो रहा है या फिर इंडाइजेशन के प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से लेटिंग पतला हो रहा है, तो इस सिचुएशन में इस तरीके के एंटीबायोटिक दवाई दिया जाता है जिसमें रहता है आपका ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजल साथ में साइमेथिकॉन। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें मात्रा कितना कितना दिया गया है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें ओफ्लॉक्सासिन दिया गया है आपका 50 mg में इंडियन पैथोलॉजी सबसे, मेट्रोनिडाजल बेंजोएट दिया गया है 120 mg और साइमेथिकॉन 10 mg में, जो कि टोटली इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से ये दिया गया है और 60 ml का ये बोतल में आता है। तो शेड्यूलेस ड्रग है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप खुद से मत खरीदिए। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तभी आप इसको लीजिए, और लेने के टाइम में डोजेज ज़रूर पूछ लीजिएगा कि बच्चे को कितना डोजेज देना है, खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में, ठीक है। अगर दोस्तों आपका बच्चा को झाड़ा या फिर जो दस्त हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, उसके साथ अगर उल्टी वगैरह है तो दोस्तों आपको ऑनडेन टाइप का भी दवाई खिलाना पड़ेगा उल्टी रोकने के लिए, ठीक है। जो वोमिटिंग हो रहा है उसको बंद करने के लिए उसका दवाई भी खिलाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ है जो आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, खुद से खरीद के बच्चा को मत दिलाइए, क्योंकि शेड्यूलेस ड्रग है, आपको डॉक्टर से बात करके ही लेना चाहिए। 72 इसका MRP है 72 rupees। और साइड इफ़ेक्ट अगर बोले तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट वैसा कुछ नहीं है। अगर ये लेने के बाद में अगर आपके बच्चे को अगर कुछ पेट में जलन हो रहा है या फिर पेट में पेन हो रहा है या फिर लेटिंग आपका जैसे पहले पतला लेटिंग था उसी तरीके का पतला लेटिंग है या फिर सर दुख रहा है, इस तरीके का कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। इसके बदले जो दूसरा दवाई वगैरह भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली इंडिया में ये आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दवाई है ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो 72 इसका MRP है, तो आप इसको बार्गेनिंग करके कुछ कम में भी आप ले सकते हो दुकान से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग DRTV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी कुछ दूसरा बहुत बढ़िया सब वीडियो सब लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग DRTV। हैव ए नाइस डे।